नमस्कार, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, वसंत ऋतु का आरंभ हो चुका है। यह ऋतु खुशियों का प्रतीक है, लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी इस ऋतु के आनंद में कमी ला सकती है। इसलिए आपको बताना यह उचित समझता हूँ कि वसंत ऋतु में कैसे रह सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इन्हीं सब के बारे में जानते हैं। वसंत ऋतु के पालन करने योग्य कुछ बातें हैं, उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु में होने वाले रोगों से बचे रहने के लिए इन उपायों को जानना चाहिए। दोस्तों, वसंत ऋतु में पुराना गेहूं और पुराना जौ खाना चाहिए, भोजन रूखा लेना चाहिए और ताजे फल खाने चाहिए। कपूर, केसर, चंदन का लेप या उपटन शरीर पर लगाना चाहिए। बगीचों में पैदल घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इस समय पेड़ों से हमें तरोताजा हवा और विशेष रूप से ऑक्सीजन मिलती है। हो सके तो शरीर को पैरों से दबवाना भी चाहिए। नहाने के लिए गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, यह तो सब करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए वह भी जान लेते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिसको वसंत ऋतु में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे श्लेष्मा और कफ की वृद्धि होती है, जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं। वसंत ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए। मिठाई, चिकनाई वाले तली हुई चीजें नहीं खाना चाहिए। शीतल पेय और बहुत ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। भोजन अधिक गरिष्ठ या भारी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अपने दिनचर्या में इन बातों का विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ऐसे ही स्वास्थ्यप्रद जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।